आज आपको दिखाते हैं कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आने वाली चार बदमाश सहेलियों की कहानी। क्या यार, ये हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर है, कॉलेज छोड़ने का दिल ही नहीं करता। लेकिन कॉलेज में रहने के लिए फेल तो नहीं हो सकते ना? कुछ भी हो, लेकिन कॉलेज के ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे। और कॉलेज के सभी टीचर्स और हमारे जूनियर्स को हम हमेशा याद रहेंगे। मुझे लगता है इस लास्ट ईयर को भी हमें मेमोरेबल बनाना चाहिए, लेकिन क्या करें? चारों लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं और पूरे कॉलेज को चकराने वाली कुछ अजीब हरकत करने की ठान लेती हैं। देखो गैंग, ये बॉयज की बाइक का पंक्चर का फ्लॉप आइडिया बिल्कुल मत देना प्लीज। हाँ, अब कैंपस में भी CCTV लगे हैं। जो भी करना है अब ऐसी जगह करना होगा जहाँ किसी को कुछ पता ना चले, और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। करेक्ट, और हमारी मस्ती पूरे साल भर चलती रहेगी। यस, चंडाल चौकड़ी लॉन्ग लिव, हिप हिप हुर्रे। कुछ दिन बाद कॉलेज का गर्ल्स वॉशरूम क्लीन करने वाली सखू भाई हमेशा की तरह कान में हेडफोन डाल के, गॉगल्स पहन के, क्लीनिंग मॉप लेके अपना काम करने वहाँ आती हैं। सखू भाई बीच बीच में डांस का स्टेप करते हुए फ्लोर क्लीन कर देती हैं, और तभी अचानक उसका ध्यान वॉशरूम के बड़े मिरर पर जाता है। अरे मजा देवा, ये क्या रंगोली बना रखी है लड़कियों ने। मिरर पूरा होठों के शेप वाली लिपस्टिक के दागों से भरा हुआ है, जैसे किसी ने बहुत सारे किस किए हों। सखू बाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब बिगड़ी हुई लड़कियां इस कॉलेज की, बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो आईने पे पप्पियां दे दी है, अब इसको कैसे साफ करने का? खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। सखू बाई उन लिपस्टिक के दागों को कपड़े से हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दाग साफ होने के बजाय और ज्यादा फैलते हैं और मिरर और ज्यादा गंदा हो जाता है। अरे देवा, ये तो और गंदा हो रहा है, क्या करूं? साबुन के पानी से ट्राई मारती हूँ। सखू बाई साबुन के पानी से मिरर साफ करने की कोशिश करती है, बड़ी मुश्किल से दाग निकल जाते हैं, लेकिन सखू बाई पसीना पसीना हो जाती हैं। नसीब मेरा, दाग गए, धत तेरे की, मैं फोटोज निकालना ही भूल गई। अब अगले दिन भी यही किस्सा रिपीट होता है। सखू बाई जब वॉशरूम क्लीन करने आती हैं, तो फिर से देखती हैं मिरर लिपस्टिक के दागों से भरा हुआ है। ये देखकर वो अचरज में पड़ जाती हैं। आई एम, किसको इतना फोकट टाइम है, और लगता है ज्यादा पैसे हैं। कितनी लिपस्टिक वेस्ट की है, मेरे जैसे गरीबों को देंगे तो दुआ मिलेगी। सखू बाई आज भी उन लिपस्टिक के दागों को साबुन के पानी से साफ करती है, लेकिन उससे पहले उन दागों के साथ एक सेल्फी निकालती है। हाँ, लाई भारी आया मेरा फोटो, इसको अब इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। सखू बाई सेल्फी को दाग अच्छे नहीं होते टैग लगा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। ओ शिट, ये देखो सखू बाई की सेल्फी। ओ माय गॉड, ये हमारे वॉशरूम का मिरर है ना? हाँ, पता नहीं 2-4 दिन से कोई किस करके उस पर लिपस्टिक के दाग लगा रहा है। लगता है बॉयफ्रेंड की गिफ्ट दी हुई लिपस्टिक अच्छी नहीं लगी किसी को। कॉलेज कैंपस में जब इन लिपस्टिक के दागों की चर्चा रंगी हुई थी, तब प्रीति, बेला, काजल और सपना बड़ी खुश थी। वाह, मजा आ रहा है, लिपस्टिक के दागों ने तो धमाका ही मचा दिया कॉलेज में। हाँ, लेकिन हमें आगे से सावधानी बरतनी होगी। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमें साल भर जो चलाना है। चारों सहेलियां अपनी एक्टिविटी पे बेहद खुश थीं। धीरे धीरे लिपस्टिक के दागों का सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, और स्टूडेंट्स के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगी। मुझे तो लगता है हमारा वॉशरूम हॉन्टेड है। डोंट टॉक नॉनसेंस, भूत भूत दुनिया में नहीं होते। अच्छा, तो तू कल क्यों नहीं जा रही थी वॉशरूम? वो मैं ऐसे ही, मेरा मूड नहीं था। मुझे लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। रोज रोज लिपस्टिक के जिद्दी दाग मिटा के फ्रस्ट्रेट हुई सखू बाई एक दिन प्रिंसिपल को मिलने जाती है। मैडम, मेरे को यह काम नहीं करने का है। अरे, तुम्हें क्या हुआ अचानक, क्या परेशानी है तुम्हें? वो मेरे को लगता है लड़कियों के बाथरूम में कोई पिशाच आत्मा रहने को आई है। सखू बाई की बात सुन के प्रिंसिपल बड़ी गुस्सा होती है। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, तुमने देखा है क्या किसी को? ना बाबा ना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तो आलिया और रणवीर का ब्याह बाकी है। फालतू बकबक मत करो, ठीक से बताओ क्या हुआ है।
अब सखुबाई प्रिंसिपल को पिछले 15-20 दिन का पूरा किस्सा सुनाती है और प्रिंसिपल सोच में पड़ती है। ओह, तो ये बात है, लेकिन अब तक किसी भी स्टूडेंट ने कम्प्लेन क्यों नहीं की? वो मेरे को क्या मालूम मैडम, मेरे को छुट्टी दे दो। रुको रुको, तुम्हें तो वैसे भी छुट्टी का बहाना चाहिए। नहीं मैडम, वो लिपस्टिक के दाग बहुत जिद्दी हैं। मिटाते मिटाते मेरा दम निकल जाता है। मेरा वजन भी 5 किलो कम हुआ है, मेरे से नहीं होगा। प्रिंसिपल कैसे तैसे सकुभाई को समझाती है और काम शुरू रखने के लिए राजी करती है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, ये लिपस्टिक के दागों का इशू मैं 2 दिन में सुलझाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, CID को बुलाओ, नहीं तो मांत्रिक को। कुछ भी करो, लेकिन 2 दिन के ऊपर मैं 1 भी दिन नहीं रुकूंगी। पहले ही बोल देती हूँ, बाद में खिटखिट मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हाँ। प्रिंसिपल सखुबाई को कुछ सवाल पूछती है और उसे जाने को कहती है। कुछ भी करके 2 दिन में ये इशू सॉल्व करना ही होगा। वहाँ प्रिंसिपल सोच में पड़ी है और यहाँ चंडाल चौकड़ी कैंपस में फैली अफवाहों का मजा ले रही हैं। मुझे लगता है जरूर हमारे वॉशरूम में कोई भूतनी आई है। मुझे उस दिन कुछ पायल की आवाजें भी सुनाई दी थी। रियली? OMG, मैं तो अब कॉलेज टाइम में पानी ही नहीं पीऊंगी। मैं तो कॉलेज ही चेंज करने की सोच रही हूँ। अगले दिन चंडाल चौकड़ी फिर से कॉलेज जल्दी आती है और उनके प्लान के हिसाब से काजल और प्रीति वॉशरूम के बाहर दोनों दिशा में अलग अलग खड़े होकर पहरा देती हैं। सपना और बेला अपने होठों की लिपस्टिक लगा के मिरर पर फटाफट किस करती हैं। मिरर पूरा भर जाने के बाद वो हंसते हंसते बाहर निकलती हैं। बेला चलो जल्दी, कोई आ जाएगा, कम ऑन। सपना और बेला के जाने के बाद एक बाथरूम से प्रिंसिपल बाहर आती है। अच्छा तो ये काम दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि हमारी जगत विख्यात चंडाल चौकड़ी ही कर रही है। मुझे डाउट था ही, अब कंफर्म भी हो गया। अगले ही दिन प्रिंसिपल बेला को कैबिन में बुलाती हैं। मे आई कम इन मैडम? हाँ हाँ बेला, प्लीज कम इन, आओ बैठो। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी मैम, शुरू है, ठीक ठाक। बेला, गर्ल्स वॉशरूम के बारे में कुछ अजीब अफवाहें फैल रही हैं, क्या तुम्हें पता है? अचानक से आए सवाल से बेला थोड़ा घबरा जाती है लेकिन सिचुएशन संभाल लेती है। जी हाँ, कुछ कुछ कानों पर आया है। आप वॉशरूम जाते हो, आपने कुछ वहाँ अजीब सी बात देखी है? जी मैम, मैंने भी मिरर पर लिपस्टिक के दाग देखे हैं। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। बेला सोच समझ के प्रिंसिपल के सवालों का जवाब देती है। मैं जाऊँ मैम? नो, वेट, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल प्यून और सखुबाई को बुलाती है। सखुबाई एक कपड़ा और एकदम गंदे पानी से भरा बकेट लेके आती है और प्यून वॉशरूम के लिपस्टिक के दागों से भरा मिरर लेके आता है और वहाँ रख के चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं इन्हें हमारी चौकड़ी पर डाउट तो नहीं हुआ है? प्रिंसिपल सखुबाई को मिरर साफ करने के लिए कहती है। सखुबाई, बिना सवाल किए ग्लव्स पहनो और उस गंदे पानी से ये लिपस्टिक के दागों को साफ करो। प्रिंसिपल की बात सुन के सखुबाई और बेला चौंक जाते हैं। हाँ मैडम, लगता है मैडम का दिमाग घूम गया है, गंदे पानी से सफाई करने को कह रही है। पानी की दुर्गंध कैबिन में उपस्थित किसी को भी सहन नहीं हो रही है और बेला का कंफ्यूजन और बढ़ता है। ओ नो, मैडम हमारे मिरर को इस गंदे पानी से क्यों साफ कर रही हैं? इसे तो अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। छी, लगता है ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। सखुबाई बड़ी कठिनाई से दाग साफ करती है। लो मैडम, साफ हो गया आईना, अब भी उनको बोल दूं क्या फिर से इसे वॉशरूम में लगाने के वास्ते? हाँ बोल देना, अब तुम जाओ। सखुबाई सब क्लीनिंग का सामान लेके निकल जाती है और प्यून आके गंदे पानी से साफ किया मिरर लेके जाता है। यहाँ कैबिन में बैठी बेला के मन में सवाल तो उठा था कि मिरर साफ करने के लिए गंदा पानी क्यों इस्तेमाल किया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो चुप रहती है। मैम क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेला, तुम कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज की बाकी लड़कियों को ये बात समझा दो कि ये लिपस्टिक के दाग निकालने के लिए कितनी मुश्किल होती है और सखुबाई का बहुत ज्यादा वक्त इसमें बर्बाद होता है। जी मैम, और आगे से हम लिपस्टिक के दाग साफ करने के लिए पानी बर्बाद नहीं करेंगे, ये भी सबको बता देना। जी मैम। बेला कैबिन के बाहर आती है। शी,
अब कौन उस गंदे पानी से धोए मिरर को अपने होंठ लगाकर लिपस्टिक के दाग लगाएगा। बस हो गया अब ये नाटक। बेला, मुझे पता है मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है। कल से लिपस्टिक वाला भूत नहीं आएगा। सखुबाई हमेशा की तरह वॉशरूम क्लीन करने आती है और साफ सुथरा मिरर देख के चकित होती है। आइला, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है मैडम ने भूत को भगा दिया। मैं तो 11 नारियल चढ़ाऊंगी हनुमान जी को। सखुबाई खुशी से भागते हुए प्रिंसिपल के कैबिन में आती है। क्या हुआ सखुबाई, आज अंदर आने की परमिशन लेना भूल गई क्या? मैडम, आज के दिन परमिशन छोड़ो, मैं बड़ी खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? वॉशरूम के लिपस्टिक वाला भूत भाग गया? प्रिंसिपल की बात सुन के सखुबाई चौंक जाती है। आई, आपको कैसे पता? आपकी परमिशन लेके गया क्या? सखुबाई की बात सुन के प्रिंसिपल हंसने लगती है। हाँ, अब इस खुशी में डांडी मत मारना। और हाँ, वो मिरर अच्छे पानी से साफ कर देना, अब वो भूत वापस नहीं आएगा। प्रिंसिपल की बात सखुबाई के सर से बाउंस होती है। लगता है भूत की लिपस्टिक का स्टॉक मैडम ने जब्त कर लिया है। भूत से भी कई डेंजर है हमारी मैडम। रमन एक मनचला, उदंड, बदतमीज और आलसी लड़का था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। रमन के पिता ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाता तो लड़कों को मारना पीटना, लड़कियों को छेड़ना, यही उसका काम था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल से एक लड़की, सर आज फिर से रमन ने हम लड़कियों का रास्ता रोककर हमें परेशान किया। प्रिंसिपल बेल बजाते हैं और प्यून अंदर आते ही, नरेश उस रमन को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। प्यून रमन को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब रमन प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। सर आपने बुलाया? रमन की शिकायत करने वाली सारी लड़कियाँ वहीं पर खड़ी थी, तो उन्हें देख रमन उनकी ओर गुस्से से देख रहा था। तो प्रिंसिपल सर, रमन ये क्या चल रहा है तुम्हारा? रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती ही रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब रमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से ऑफिस से बाहर आता है और सारी लड़कियां बाहर आने की राह देखने लगता है। जैसे ही लड़कियां प्रिंसिपल को थैंक यू कहकर बाहर आती है, तो रमन, प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करोगी? देख लूंगा तुम सबको। याद रखना, रमन से पंगा लिया है तुमने, रमन से। रमन की बात सुनकर लड़कियां वहां से चली जाती है और रमन भी गुस्से से लाल होकर स्कूल से बाहर निकल आता है। वो गांव में भी लोगों को हमेशा ही परेशान किया करता था। वो हमेशा किसी की मुर्गी चुराता, कभी बकरी, और तो और वो कभी कभी अपने दोस्त मिहिर के साथ मिलकर रात के समय लोगों के दरवाजे जोर जोर से ठकठकाता। एक दिन की बात है, सभी लोग परेशान होकर राम के घर पर ढाबा बोल देते हैं। तो गांव के लोग रमन के पिता से, अरे सुरेश, तुम्हारा बेटा रमन दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद रमन ने कुछ भी बुरा किया तो उसे हम गांव से निकाल देंगे। अरे अरे देखिए भाई साहब, रमन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज के बाद रमन कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। सुरेश की बात मानकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही रमन घर आता है तो रमन के पिता सुरेश से डंडा लेकर जोर जोर से मारने लगते हैं। तो रमन, अरे अरे पिताजी, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूँ? अरे गांव के लोग तुझे गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। जब से तू पैदा हुआ है कभी मुझे चैन नहीं मिला है आज तक। चले जाए मेरे घर से। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को घर से मत निकालिए। अब रमन घर से निकल जाता है। चलते चलते रमन जंगल से गुजर रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ चमकता दिखाई देता है। तो रमन उस ओर निकलता है। वहां जाते ही रमेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रमन वहां पर देखता है कि वहां पर एक किताब है जिस पर कंकाल बना हुआ है। उसे देख रमन मन ही मन, अरे ये तो काला जादू का बुक है, अच्छा हुआ ये मुझे ही मिल गई। अब सिखाऊंगा मैं इन गांव वालों को। अब रमन उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल हो जाता है। तो रमन मन ही मन, पता नहीं ये कैसे खुलती होगी। रमन उस किताब की ओर ध्यान से देखता है कि अचानक से जोर जोर से हवा आने लगती है।
और सभी ओर एक सन्नाटा सा फैल जाता है। रमन डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार उस किताब को यहाँ वहाँ से देख रहा था। तो चिल्लाने की आवाज और जोर से आने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रमन अपने कानों पर हाथ रख देता है और वो किताब उसके हाथ से नीचे गिर जाकर अपने आप खुल जाती है। तो उसे देखकर रमन खुश हो जाता है। वो मन ही मन, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। रमन उस किताब को अपने हाथ में उठा लेता है और किताब का पन्ना पलटने लगता है तो उसे वहाँ पर मंत्र दिखाई देते है। वो मंत्र पठन करने लगता है। जैसे ही रमन मंत्र पठन करने लगता है तो आवाज जोर जोर से आने लगती है। तभी एक भयानक आत्मा की आकृति वहाँ पर दिखाई देने लगती है। उसे देख रमन और भी ज्यादा डर जाता है। वो आत्मा रमन से, सुरेश, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तेरा शरीर मेरा हो चुका है। रमन बहुत डर रहा था कि तभी आत्मा रमन के शरीर में प्रवेश करती है और गांव की ओर जाने लगती है। तो गांव में गाय, बैल, मुर्गियां, बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो गांव के सभी लोग जाकर क्या हुआ ये देखने बाहर आते हैं। बाहर जोरों से हवा चल रही थी कि रमन एक अलग ही आवाज निकाल कर लाल लाल आंखें और अलग ही चाल ढाल के साथ गाँव की ओर चला आ रहा था। उसे देख गाँव का एक पहलवान, रमन बदतमीज कही के आज फिर से गांव वालों को सताना शुरू किया तूने? रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। पहलवान रमन की ओर भागता है तो रमन, मतलब रमन के शरीर में बसी आत्मा अपने हाथ को लंबा कर पहलवान को उठाकर दूर फेंक देती है। उसे देख सभी डर जाते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी गाँव में मिहिर नाम का एक शूर होशियार इंसान रहता था जो किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक सोच विचार कर काम करता। तो मिहिर ने रमन का निरीक्षण करना शुरू किया। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। उसने उसका दो दिनों तक चुपचाप छिपकर पीछा किया। वो कब जंगल में जाता है, कब गांव में भेड़ बकरियां खाने के लिए आता है, उसमें ही उसे पता चला। अच्छा, तो ये भूतिया किताब है। रमन के अंदर जो भी आत्मा है उसकी जान उस भूतिया किताब में है। मुझे कैसे भी उस किताब को जलाना पड़ेगा। जैसे ही वो किताब जल जाएगी रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। मिहिर दिन रात रमन का पीछा कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर गांव के सभी लोग मिहिर से सलाह मांगने के लिए यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। अब सुबह हो जाती है और रमन गांव में आकर सभी लोगों को इस बारे में सूचित कर देता है। साथ में ही वो गाँव के बड़े बड़े पेड़ों पर जाल बिछा देता है ताकि कुछ वक्त के लिए वो उस आत्मा को गाँव में ही रोक सके और मिहिर जंगल में जाकर उस किताब को जला दे। अब मिहिर और गांव वाले लोग रमन को जाल में फंसा लेते हैं। वो बहुत झटपटा रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी रमन अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसी जगह जाकर पहुंच जाता है जहां रमन ने उस किताब को खोला था। वो यहां वहां देखने लगते है तो एक पेड़ की डोली में उन्हें वो भूतिया किताब दिखाई देती है। तो मिहिर उसे वहां से निकाल कर जलाने की कोशिश करने लगता है कि तभी रमन कहो या वो आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन मिहिर बड़ी ही होशियारी के साथ और निडरता से उस जादुई भूतिया किताब को जलाकर राख कर देता है। जैसे ही वो किताब जलकर राख बन जाती है रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाता है।